हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल में स्वागत है। मैं हूं आपकी उषा। ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट और सूखा सूखा आलू फ्राई कैसे बनाते हैं, चलिए देखते हैं। पहले स्टोव पर एक पैन रखकर इसमें 1 टेबलस्पून ऑयल डालकर ऑयल को अच्छे से गर्म होने देंगे। ऑयल गर्म होने के बाद इसे चारों ओर इस तरह स्प्रेड कर ले, जिससे कि जब हम इसमें आलू डालेंगे तो आलू पैन में चिपकेंगे नहीं। अब हम इसमें 1 चम्मच जीरा डालकर जीरे को अच्छे से फटने देंगे। जीरा अच्छे से भुन गया है। मैंने यहाँ 4 आलू को अच्छे से पील करके धो लिया है। इसे इस तरह मीडियम साइज़ के पीसेस में कट कर लिया है। इसे इसमें डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद ढककर लो फ्लेम पर इसे थोड़ा पकने देंगे। दोस्तों चलिए चेक करते हैं आलू पका है कि नहीं। देखिए हमारा आलू 80% तक पक गया है। अब हम इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस स्टेज पर हम इसमें 1/4 चम्मच हल्दी, थोड़ा सा करी पत्ता, 3 कटी हुई हरी मिर्च डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सबको अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसे बिना ढके मीडियम फ्लेम पे बाकी के 20% पकाकर इसे क्रिस्पी करेंगे। देखिए दोस्तों हमारा आलू अच्छे से पक कर क्रिस्पी हो गया है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए कितने अच्छे से पक गया है। अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक, 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे। अगर आपके पास कुटी हुई लाल मिर्च नहीं है तो आप इसमें लाल मिर्च के पाउडर भी डाल सकते हैं। 1/4 चम्मच जीरा पाउडर और अंत में थोड़ा सा हरा धनिया डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने इसमें ज़्यादा मसालों का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया है, इसे इसी तरह सिंपल रखेंगे। आप भी इसे एक बार ट्राई करें, ये बहुत ही जल्दी और आसानी से बन जाता है। सूखा सूखा आलू फ्राई बनकर तैयार हो गया है। अब हम गैस के फ्लेम को ऑफ करके इसे एक सर्विंग बाउल में ले लेंगे। देखिए दोस्तों कितने आसान तरीके से ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट आलू फ्राई बहुत ही टेस्टी बना है। आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें और आपका रेसिपी कैसे बना है आप हमें कमेंट करना ना भूलें। यदि आपको ये रेसिपी पसंद आए तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें और लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।